इंग्लिश लैंग्वेज में ये दो ऐसे वर्ब्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं अगर आपको ये दो वर्ब्स नहीं आते तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते What? और अगर आपने इन दो वर्ड्स को सीख लिया तो आपसे अच्छी इंग्लिश और कोई नहीं बोल सकता क्या बात कर रहे? रहे हैं? आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते मतलब और भी तो वर्ब्स हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं लेकिन गायस ये सच है कि इन दो वर्ब्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा नेम इज ऑन इंग्लिश कनेक्शन लेट्स तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कौन कौन से दो ही तो हैं टू बी एंड टू हैव आप सोच रहे होंगे टू बी और टू हैव के बिना इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे देखिए क्यों क्योंकि इनके बहुत सारे यूसेज हैं। ये बहुत जगहों पर यूज होते हैं द वर्ब टू बी ऑल राइट टू बी इज यूज टू गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम एज ओरिजिन एट्सट्रा नाम बताना हो एज बतानी हो आप कहाँ से ये बताना हो तो टू बी का यूज़ होता है इसके बिना नहीं बता सकते टू डिस्क्राइब फीलिंग्स आप कैसा फील कर रहे हैं ये बताना हो तो भी आप क्या यूज़ करेंगे टू बी तो भाई आप बताइए क्या फीलिंग्स बताए बिना मतलब आप कैसा फ़ील कर करिए ये बताए बिना रह सकते हैं नहीं रह सकते फिर टू डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करना हो किसी जगह को डिस्क्राइब करना हो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना हो

मतलब कोई चीज़ आपकी है या किसी की भी है ये बताने के लिए क्या यूज करेंगे टू हैव कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए क्या यूज करेंगे टू हैव टू टेक और रिसीव मतलब कुछ ले रहे हैं आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो भी आप क्या यूज करेंगे टू हैव अब उसके अलावा टू डू समथिंग और टू एक्सपीरियंस समथिंग तो अगर आप कुछ अनुभव करते हैं तो भी आप हैव का यूज करते हैं टू मेक समथिंग हैपन कुछ कराने के लिए भी आप टू हैव का यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है ठीक है तो हेल्पिंग वर्ब की तरीके से हम कब यूज़ करते हैं परफेक्ट एंसेस में मतलब टू हैव के बिना ये सारे काम नहीं हो सकते तो अब आप समझिए ये दो वर्ब्स दस जगहों पर यूज हो रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं बिल्कुल है अब हम डिटेल में सबसे पहले वर्ब टू बी को समझेंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आप टू बी को कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे कैसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेलाइकॉन को प्रेस करें

वर्ब है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके एट फॉर्म्स हैं कितने एट फॉर्म्स जितने भी वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा फॉर्म्स वर्ब टू बी के हैं आठ फॉर्म्स और किसी के नहीं है कौन कौन से एम इज आर वाज वर बी बीइंग बेन एट फॉर्म्स प्रेजेंट में आप यूज करते हैं एम इज आर फास्ट में वॉज वर और जो बेस फॉर्म है जैसे आप फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं बेस फॉर्म क्या है बी है वर्ब टू बी का बेस फॉर्म क्या है बी यहाँ पर आपको बी दिख रहा है ना तो ये बेस फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बींग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बिल और राइट आपको एग्जाम्पल में सब दिख जाएंगे और क्लियर हो जाएगा आपके लिए कॉन्सेप्ट अब सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं मतलब हम इसको कैसे यूज करते हैं इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की क्योंकि जब भी आप वर्ड यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट में अगर हम प्रो यूज कर रहे हैं तो प्रो कौन कौन से आई वी यू दे ही शी इट राइट तो यहाँ पर सभी है आई वी यू दे ही शी इट अब कौन सा किसके साथ जाता है मैंने बताया कि प्रेजेंट में आप यूज करते हैं एम इज आर तो ये जो एम है ना ये सिर्फ और सिर्फ आई के लिए बना है और ये किसी के साथ नहीं जाता तो आई एम साथ में क्या बोलेंगे आई ये कॉन्ट्रेक्शन है जब हम बोलते हैं इंग्लिश तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या यूज करते हैं कॉन्ट्रेक्शन तो वो साथ में समझते जाते हैं यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर और साथ में क्या बोलते हैं योर क्या बोलते हैं योर यहाँ पर ये यह सिंगुलर वाले हैं वहाँ पर प्लूरल तो जब अकेले में अपनी बात करती हूँ तो आई बोलती हूँ आई एम जब मैं अपने साथ और लोगों की बात करती हूँ मैं क्या बोलूंगी हम इंग्लिश में वी तो वी के साथ हम यूज़ करते हैं आर तो हो जाता है वीअर ठीक है इसी तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ तुम आप अकेले हैं और मैं बोल रही हूँ तुम ठीक है तो मैं बोलूँगी यू आर और अगर आपसे ज्यादा लोग हैं फिर भी मैं बोलती हूँ आप या फिर तुम ठीक है तो आप लोग या तुम लोग बोलूंगी तो भी यू ही यूज करूंगी मतलब यू जो है वो सेम ही है सिंगुलर हो या फिर प्लूरल और वर्ब भी इसके साथ कौन सी आ रही है आर ही so, सो यो और वहाँ भी यूज़ करेंगे अब किसी थर्ड पर्सन की अगर बात करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं ही या फिर शी लड़का है तो ही लड़की है तो शी और कोई वस्तु है एनिमल है तो हम इट यूज़ करते हैं इनके साथ क्या आता है इज आता है साथ में कैसे बोलेंगे ही इज शी इज इट्स अलग अलग क्या बोलेंगे ही इज शी इज इट इज और राइट अब थर्ड पर्सन में ही जो प्लूरल फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं वे ठीक है या वे लोग तो हम क्या बोलते हैं दे और दे के साथ क्या आता है आर साथ में क्या बोलते हैं वेयर जो है क्या बोलेंगे वेअर ठीक है इतना क्लियर हुआ कि कैसे आप यूज करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है आई और वी सेकंड पर्सन कहलाता है यू और थर्ड पर्सन क्या क्या है ही शी इट और दे और अगर किसी का नाम आ जाए तो अगर किसी का नाम आ जाता है तो जो ही और शी के साथ यूज करते हैं वही आप यूज करते हैं तो जैसे कंचन इज मीरा इज रोहन एस श्यामस और राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव फॉर्म्स देखते हैं जब नेगेटिव फॉर्म्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे नॉट एड कर देंगे सो आई एम नॉट क्या बोला मैंने आई एम नॉट तो अगर लिखा है आई एम ठीक है तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं आई एम नॉट उसी तरीके से यहां देखिए योर नॉट इसका मतलब है यू आर नॉट है ठीक है तो दो ऑप्शन है यहां मैंने यू और आर को कॉन्ट्रैक्ट करके बोला योर नॉट यहां पर मैंने क्या किया यू को ऐसे ही रहने दिया आर और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया आंट यू आंट तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं जब आप नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं अब यहाँ पे देखिए ही इज नॉट शी इज नॉट इट्स नॉट या फिर अब मैं ही को ऐसे ही रखू इज और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दू तो क्या बोलूंगी ही इजंट शी इजंट इट इजंट ठीक है तो यहां पर आपको दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं अब प्लूरल में आ जाते हैं सो वी आर नॉट या फिर वी आंट आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है वी आर नॉट है तो दो ऑप्शन है वी आर नॉट या फिर वी आंट यहां पर योर नॉट या फिर यू आंट यहां पर दे आर नॉट या फिर दे आंट ठीक है दो दो ऑप्शन ये हो गया नेगेटिव फॉर्म्स क्वेश्चन फॉर्म्स में क्या करना है उसमें आप क्या करते हैं कि इन्वर्ट कर देते हैं आप पहले वर्ब को ले आते हैं फिर सब्जेक्ट को ले आते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है सो आई एम एक स्टेटमेंट रहेगा लेकिन एम आई एक क्वेश्चन बन जाएगा तो एम आई आर यू इज ही इज शी इज इट ऑल राइट यहां पर आर वी आर यू आर दे तो जो जो हम यूज कर रहे थे ना जो जो वर्ड यूज कर रहे थे बस पहले रख दिया ये हो गया क्वेश्चन फॉर्म्स ठीक है तो टू बी के यूजेस समझ लेते हैं सबसे पहले क्या बताया था मैंने गिविंग एंड आस्किंग अबाउट पर्सनल डेटा पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने बताया था तो नेम एज ओरिजिन एड्रेस एटसेट्रा जो भी देना हो ठीक है बताना हो तो आप टू बी का यूज करेंगे देखते एग्जाम्पल व्हाट्स योर नेम तो यहाँ पर टू बी वर्ड क्या है इज जो कि कॉन्ट्रेक्शन वाले फॉर्म में है यहाँ पे व्हाट्स योर नेम मतलब व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है तो पूछना था नाम क्या यूज किया इज और जवाब देना है तो माय नेम इज कंचन कंचन या माय नेम्स ठीक है ऐसे साथ में भी लिख दिया है हाउ ओल्ड इज ही उम्र पूछनी है क्या यूज करेंगे वर्ब टू बी इज इज यूज किया हाउ ओल्ड ही वो कितने साल का है ही इज ट्वेंटी सिक्स ही इज ट्वेंटी सिक्स वह छब्बीस साल का है वेयर आर दे फ्रॉम वे कहाँ से हैं ओरिजिन पूछ रहे हैं आर फ्रॉम प्रयागराज वे प्रयागराज से हैं बता दिया व्हाट्स हर जॉब उसका ऑक्यूपेशन उसका जॉब क्या है ठीक है सो शी इज एन इंजीनियर वो एक इंजीनियर है समझ में आया कि हम कैसे जब नाम एज औरिजिन की बात कर रहे हैं तो टू बी का यूज़ कर रहे आपने पहला यूज़ देख लिया दूसरा क्या है डिस्क्राइबिंग योर स्टेट एंड हाउ यू फील मैंने बोला था ना फीलिंग बताने के लिए आप कैसा फील करते हैं क्या स्टेट है आपकी अवस्था क्या है तो इसी वर्ड का यूज़ करके हम बता सकते हैं एग्जाम्पल देखिए हाउ आर यू टूडे सबसे पहले तो हाउ आर यू जो आप पूछते हैं इसी वर्ड का तो यूज़ करते हैं कि आप कैसे हैं हाउ आर यू टूडे आज आप कैसे हैं आई एम वेरी वेल थैंक्स मैं ठीक हूँ थैंक यू वी आर हंग्री हमें भूख लगी है ठीक है तो स्टेट में क्या बता रही हूं कैसा मैं महसूस कर रही हूं वी आर हंग्री यहाँ पे वी की बात करें हम कैसा महसूस कर रहे हैं वी आर हंग्री हमें भूख लगी है इज देर एनीथिंग टू ईट माई फ्रेंड्स आर बोर्ड मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोर हो गए हैं माई फ्रेंड्स आर बोर्ड यू आर टायर्ड योर टायर्ड आप थके हुए हैं यू शुड टेक अ नैप तो स्टेट बताना है फीलिंग बतानी है ये आपने यूज किया अब देखिए तीसरा डिस्क्राइबिंग पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स की कोई चीज या कोई व्यक्ति कैसा है कियारा इज टॉल एंड थिन कियारा जो है लंबी है और पतली है सीता एंड गीता आर रियली फ्रेंडली सीता और गीता बहुत ही क्या है फ्रेंडली मतलब मिलनसार हैं

अब देखिए देखिये कंटिन्यूअस टेंच डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एक्शन एंड सिचुएशन इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पास्ट हो प्रेजेंट हो फ्यूचर हो अगर आप कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं कोई भी एक्शन कंटिन्यू है उसका जिक्र कर रहे हैं तो इसका यूज़ करते हैं सो योर स्टडी इंग्लिश आप अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं right? राइट अंग्रेजी पढ़ रहे हैं दे वर प्लेइंग पास्ट में वे खेल रहे थे सो देखिए वर हमने यूज़ किया ना पास्ट की बात की इसलिए तो पास्ट के वॉज वर यूज़ करते हैं आई विल बी वेटिंग फॉर यू मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तो so, फ्यूचर में कर रही होंगी करूंगी तो मैंने क्या यूज़ किया बी तो फ्यूचर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं विल के साथ बी लगा दिया और फिर वर्ब में आई एन जी काम बन जाता है तो यहाँ पर हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं

कौन बनाता है इसका जिक्र नहीं हो रहा है बनती है यही पैसिव सेंटेंस होता है ठीक है कौन कर रहा है इसका जिक्र नहीं होता क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है इसका जिक्र होता है दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली सो दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय तो ये फिल्म संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट की गई तो ये फिल्म डायरेक्ट की गई है बोला और किसने क्या वो हमने बाद में बात की उसकी ठीक है उसको अलग से जोड़ा है तो यहाँ पर देखिए वॉज यूज़ किया क्योंकि पास्ट के बाद थी द न्यू मूवी विल बी रिलीज नेक्स्ट मंथ फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जो नई मूवी है वो अगले महीने रिलीज हो जाएगी तो हमने क्या किया फिर से बेस फॉर्म यूज़ किया विल बी रिलीज क्लियर आप समझते हैंव को सेंटेंसेस को बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म करने के लिए आपको आने चाहिए टेंसेज लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे टेंसेज आप सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में सीख सकते हैं इस वीडियो की मदद से इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो द वर्ड टू हैव टू हैव इज ऑल्सोरेग्युलर वर्ब ये भी इरेग्युलर वर्ब है देखिए ना हैव है बेस फॉर्म ठीक है प्रेजेंट में हम हैव और हैज यूज करते हैं हैज एक्स्ट्रा है वो कब यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी फिर हैविंग है और देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है हैड हैड सो आप ऐसे याद रख सकते हो हैव हैड 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 फर्स्ट थर्ड हैव हैज का यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ ठीक है तो कितने फॉर्म्स हैं फोर फॉर्म्स हैं इसके ऑल राइट right? अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे सो आई यू ही इट we you they यहाँ पे वही प्रोनाउंस ठीक है सो आई हैव यू हैव we have you have they have मतलब सबके साथ हैव और जो थर्ड पर्सन सेंगुलर है he she it इनके साथ आएगा हैज ठीक है तो हैज कब यूज कर रहे हैं हम प्रेजेंट में एक तो हैव और हैज यूज करते हैं सबके साथ हैव he she it के साथ हैज और किसी का नाम है तो हैज जैसे कंचन हैज मीरा हैज श्याम हैज ठीक है क्लियर अब हम आ जाते हैं नेगेटिव फॉर्म्स में अब जब हम नेगेटिव फॉर्म्स बनाते हैं इनके तो क्या करते हैं हम डोंट और डजेंट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करते हैं जैसे आई हैव बोलेंगे ठीक है लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे आई डोंट हैव यू डोंट हैव ही शी इट डजेंट हैव अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मैंने कहा था सबके साथ हैव यूज़ करते हैं और ही शी इट के साथ हैज यूज करते हैं यहाँ पे क्या है हैव तो आपको सब में दिखेगा ठीक है अब जब आप डोंट और डजेंट यूज कर रहे हैं तो आपको फर्क यहाँ करना है कि आप डोंट कैसे यूज करेंगे कहाँ यूज करेंगे और डजेंट कहाँ यूज करेंगे बाकी क्योंकि बेस फॉर्म हैव है तो ही शी इट के साथ भी आप यहाँ पर हैज की जगह यूज कर रहे हैं ना तो डजेंट यूज कर लेंगे और इसको हैव ही रहने देंगे तो ऐसे समझते हैं यहाँ पर आते हैं पहले पिछले पेज पे सबके साथ हैव इसके साथ हैज क्लियर नेगेटिव में क्या किया हमने डोंट और डजंट का यूज किया तो सबके साथ डोंट सबके साथ डोंट और इसके साथ doesn't have. यहां पर हैज नहीं आएगा क्लियर हो गया अब आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर्म्स में यहां भी हम अब क्योंकि वहां पर नेगेटिव था इसलिए डोंट और डजंट था यहाँ हम डू और डज यूज कर रहे हैं डू और डज और क्या कर रहा है क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको रख देंगे सो डू आई हैव 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 डू 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 यू यू वी दे मतलब सबके साथ हम क्या कर रहे हैं डू को शुरू में रख रहे हैं और हैव यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्या करेंगे शुरू में हम डज रख देंगे केवल यही तो एक्सेप्शन हो रहा है ना यहीं पे हमें अलग से दिख रहा है कि हैज यूज कर रहे थे फिर नेगेटिव में हम डज हैव यूज कर रहे थे तो यहाँ पे क्या कर रहा है डज यूज कर रहे हैं और हैव यूज कर रहे हैं मतलब जब आप एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करते हैं डू डज डोंट डजन तो आप उनके साथ हमेशा हैव यूज़ करेंगे तब आप हैज़ यूज़ नहीं करेंगे आप ऐसे भी समझ सकते हैं देखो यहाँ पर ई एस लग गया ना उसने इसको बना दिया हैज़ ऐसे आप समझ सकते हैं क्लियर हो गया यहाँ तक और जब हम पास्ट में आएंगे तो हैड यूज़ होगा ये आपको पता ही है तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर यूसेज ऑफ टू हैव पहला क्या है टू डिस्क्राइब थिंग्स ठीक है जो चीज़ आपकी है उसे डिस्क्राइब करने के लिए आप वो टू हैफ का यूज करते हैं यू हैव टू ब्रदर्स डोंट तुम्हारे दो भाई हैं है न इसका ये मतलब हुआ तो रिश्ते जब आप बताते हैं ना रिश्ते तो भी आप हाफ का यूज करते हैं टू हाफ का दे हैव थ्री फैक्ट्रीज इन बद्दी बद्दी में उनकी तीन फैक्ट्रीज हैं तो हमने हाफ का यूज किया ड ही हैव एन अपार्टमेंट और हाउस उसका अपार्टमेंट है या फिर घर है हाउस है तो देखिए डज यूज किया क्वेश्चन है और ही फिर हाव यूज किया हैज यूज नहीं किया तो तीनों में आप देख रहे हैं हमने हाव यूज़ किया ये क्वेश्चन है इसलिए डज यहाँ पर लग चुका है ये क्लियर हुआ जब आपकी कोई चीज़ है वो बताने के लिए आप इसे यूज करते हैं टू तो सब्सटीट्यूट ईट एंड ड्रिंक खाने के लिए आप ईट यूज करते हैं पीने के लिए ड्रिंक यूज करते हैं आप इन दोनों की जगह क्या यूज कर सकते हैं हैव यूज कर सकते हैं आई हैव कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट मैं नाश्ते में क्या लेती हूँ कॉफी विल हैव द कॉर्न सूप एज अ स्टार्टर प्लीज ठीक है स्टार्टर के लिए हम क्या लेंगे कॉर्न सूप लेंगे तो वी विल हैव ये बोल रहा है लेट्स हैव अ स्नैक बिफोर वी गो आउट बाहर जाने से पहले चलो कुछ स्नैक लेते हैं तो देखिए लेट्स हैव 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 आई मान लीजिए यहाँ पर शी होता ठीक है तो मैं क्या बोलती शी हैज कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट क्लियर अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगी मोर गाइस अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए कोर्सेज डेवलप किए हैं जो आपको मिल सकते हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल करें नाउ वेन यू टेक और रिसीव समथिंग जब आपको कुछ मिलता है जैसे कोई लेटर मिले कोई न्यूज मिले ठीक है तो आप इसे यूज करते हैं ही हैड अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर दिस मॉर्निंग उसे आज सुबह मेरे भाई से एक खत मिला ठीक है तो आज सुबह है काइंड ऑफ पास्ट है तो हम हैड यूज कर रहे हैं वी हैव सम बैड न्यूज हमें बुरी खबर मिली अभी की बात कर रहे हैं इसलिए इस तरीके से यूज कर रहे हैं यू हैव अ फोन कॉल तुम्हें, तुम्हारे लिए फोन आया है ठीक है ऐसे आप बोलते हैं सो यू हैव अ फोन कॉल क्लियर अब है डू और एक्सपीरियंस समथिंग जब आप कुछ करते हैं या अनुभव करते हैं दे हैव एग्जाम ऑन थर्सडे मॉर्निंग ठीक है उनका थर्सडे मॉर्निंग में एग्जाम है आई हैव बिफोर आई गो टू बेड मतलब सोने से पहले मैं नहाती हूँ वन एट आई हैव अ स्विम इन पूल जब गर्मी होती है तो मैं क्या करती हूँ पूल में तैरती हूँ तो आई हैव हैव अ बाथ इस तरीके से आप यूज करते हैं नेक्स्ट क्या है मेक समथिंग हैपन तो जब आप कुछ करवाने की, की बात करते हैं करने नहीं करवाने की बात करते हैं ही हैज हर स्टाफ प्रिपेयर अ रिपोर्ट वंस अ मंथ वो अपने स्टाफ से महीने में एक बार रिपोर्ट प्रिपेयर करवाता है हाउ ऑफन डस शी हैव हर हेयर कट वो कब-कब अपना बाल कटवाती है या अपने बाल कटवाती है वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं मतलब यहाँ करने का जिक्र नहीं हो रहा है करवाने का जिक्र हो रहा है ऐसे में आप टू हैव वर्ब यूज करते हैं फिर क्या है यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब वही मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब टू मेक परफेक्ट टेंसेस परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया एंड द पास्ट परफेक्ट ऑल राइट हैव सीन दिस फिल्म ट्वाइस मैंने ये फिल्म दो बार देखी है ट्वाइस मतलब दो बार और आई हैव सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट है ठीक है देव सीन मतलब दे हैव सॉरी यहाँ पर लिव्ड है दे हैव लिव्ड हियर फॉर नाइन ईयर्स वे यहाँ नौ साल रहे हैं सो दे हैव लिव्ड हियर यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड तुम पहले ही निकल गए थे ठीक है जब हम आए तो तुम पहले ही निकल गए थे यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट तो हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हैड यूज़ किया आई होप आपको सारे यूज़ समझ में आ गए हों अब ये जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप जानते हैं इन्हें और आप ये भी जानते हैं कि इन्हें कैसे यूज़ करना है गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें और आप दोनों साथ में प्रैक्टिस कर सकें मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आप करते रहें प्रैक्टिस जय हिंद